ईडेरे के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स में रसगुल्ला और गुलाब जामुन के बारे में जानेंगे और ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर भी ईडेरे ने वीडियो बना रखी है। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों ही भारत की प्रमुख मिठाइयों में शामिल है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। कई लोग इन्हें एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन रसगुल्ला व गुलाब जामुन में कई डिफरेंस होते हैं। तो जानते हैं रसगुल्ला व गुलाब जामुन में मुख्य अंतर क्या है। पहला डिफरेंस देखते हैं। दोस्तों, रसगुल्ला मुख्य रूप से छेना से बना होता है। छेना एक प्रकार का पनीर ही होता है, लेकिन पनीर के मुकाबले छेना सॉफ्ट होता है व ज़्यादा मॉइस्चर वाला होता है, जबकि गुलाब जामुन मुख्य रूप से खोआ से बनता है। सेकेंड डिफरेंस है, रसगुल्ला बनाने के लिए हाई मॉइस्चर वाले छेना का यूज़ होता है, जबकि गुलाब जामुन बनाने के लिए हाई मॉइस्चर वाले खोआ यानी धा वैरायटी खोआ का यूज़ होता है। अब देखते हैं थर्ड डिफरेंस। रसगुल्ला मुख्य रूप से सफ़ेद रंग का होता है, जबकि गुलाब जामुन मुख्य रूप से भूरे रंग का होता है। फोर्थ डिफरेंस है, रसगुल्ले को फैट फ्राइड नहीं किया जाता, जबकि गुलाब जामुन को लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर डीप फैट फ्राइड किया जाता है, जिससे उस पर भूरे रंग की लेयर बन जाती है। लेकिन रसगुल्ले को शुगर सिरप में थोड़ा फ्राई किया जाता है। अब देखते हैं पांचवा डिफरेंस। स्पॉन्जीनेस और च्यूनेस की बात करें तो रसगुल्ला गुलाब जामुन के मुकाबले ज़्यादा स्पॉन्जी और च्यूई होता है। अब देखते हैं सिक्स डिफरेंस। गुलाब जामुन को डीप फैट फ्राइड करने से उसमें कुक्ड फ्लेवर होता है, जबकि रसगुल्ले में कोई भी कुक्ड फ्लेवर नहीं होता। अब देखते हैं सेवन डिफरेंस। रसगुल्ले में स्मूथ और सॉफ्ट यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है, जबकि गुलाब जामुन में स्मूथ ग्रैनुलर टेक्सचर होता है। अब देखते हैं एट डिफरेंस। रसगुल्ला गुलाब जामुन के कंपैरिजन में ज़्यादा जूसीनेस होते हैं। नाइन डिफरेंस। दोस्तों, रसगुल्ला मुख्य रूप से बंगाल में पॉपुलर स्वीट है। कलकत्ता को लैंड ऑफ रसगुल्ला कहा जाता है, जबकि गुलाब जामुन पूरे भारत में पॉपुलर स्वीट है। टेंथ डिफरेंस है, दोस्तों, रसगुल्ला बनाने के लिए छेना का यूज़ होता है और छेना प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, इसलिए रसगुल्ला प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, जबकि गुलाब जामुन खोआ से बनाया जाता है और खोआ फैट का अच्छा सोर्स है, इसलिए गुलाब जामुन एक फैटी प्रोडक्ट की श्रेणी में आ जाता है। अब देखते हैं 11 डिफरेंस। डीप फैट फ्राइड ना होने से रसगुल्ला पर कोई लेयर फॉर्मेशन और क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होती और शुगर सिरप में रखने से ज़्यादा शुगर को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए रसगुल्ला खाने में ज़्यादा मीठा लगता है, जबकि ब्राउन क्रस्ट के कारण गुलाब जामुन कम शुगर अब्जॉर्ब करता है और रसगुल्ला जितना मीठा नहीं होता। 12th डिफरेंस। दोस्तों, रसगुल्ला व गुलाब जामुन की सेल्फ लाइफ, स्टोरेज कंडीशन और शुगर सिरप कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। 3 से 4 दिन बाद ये खट्टे होने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन्हें शुगर सिरप में प्रोसेस करके टिन के कंटेनर में सील करके रखा जाए तो इनकी सेल्फ लाइफ 6 महीने तक बढ़ जाती है। अब देखते हैं 13वां डिफरेंस। दोस्तों, रसगुल्ले में क्रैक बनने से रोकने के लिए थोड़ा मैदा यूज़ किया जाता है, जबकि गुलाब जामुन में ज़्यादा मैदा का यूज़ होता है और मैदा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इस प्रकार न्यूट्रिशनल पॉइंट के हिसाब से रसगुल्ला गुलाब जामुन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखते हैं 14th डिफरेंस। रसगुल्ले में रोज़ फ्लेवर का जनरली यूज़ किया जाता है, जबकि गुलाब जामुन को घी में डीप फ्राइड करने से नेचुरल फ्लेवर डेवलप हो जाता है। 15th डिफरेंस। दोस्तों, चमचम रसगुल्ले में रिजेंबल करता है और यह भी छेना से बनाया जाता है, जबकि काला जामुन गुलाब जामुन से रिजेंबल करता है और यह भी खोआ मैदा से बनाया जाता है। 16th डिफरेंस है, दोस्तों, आप टेबल के माध्यम से रसगुल्ला व गुलाब जामुन के BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रसगुल्ला व गुलाब जामुन बनाने के लिए कई ऑटोमेटिक मशीन तैयार की है। इन मशीन में पहले ऑटोमेटिक मिक्सिंग व नीडिंग करके बॉल तैयार की जाती है। रसगुल्ला व गुलाब जामुन के इन बॉल्स का वजन लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति बॉल होता है। शुगर सिरप में डीप करने पर यह वजन बढ़ जाता है। लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर 50 से 60 ब्रिक्स शुगर सिरप का यूज़ किया जाता है।
एक केजी छेना व खोआ से लगभग 90 से 100 बोल बनाई जा सकती है। अब देखते हैं लास्ट डिफरेंस। दोस्तों 1 केजी बफलो मिल्क से लगभग 1 केजी तक गुलाब जामुन बनाए जा सकते हैं, जबकि 1 केजी काउ मिल्क से लगभग 250 से 300 ग्राम छेना बनता है और 100 ग्राम काउ मिल्क छेना से लगभग 254 ग्राम रसगुल्ले बन सकते हैं और 100 ग्राम बफलो मिल्क छेना से लगभग 342 ग्राम रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रसगुल्ला व गुलाब जामुन में डिफरेंस पता चल गया होगा। धन्यवाद।